हेलो, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो आज हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक बहुत ही ब्यूटीफुल और फेमस प्लेस जिसका नाम है देव कामरू नाग जी का मंदिर। और इसी मंदिर के साथ बनी है देव कामरू नाग जी की झील, जो कि हिमाचल की प्राकृतिक झीलों में से एक है और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के चचियोट तहसील में पड़ती है। तो बहुत ही नेचुरल यहाँ का नज़ारा है जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये जो अभी आपको नहर दिख रही है, ये पंडो झील का जो पानी है, जो कि हिमाचल की सबसे छोटी झील है, लगभग 14 किलोमीटर इसका एरिया है, वहीं से ये पानी आ रहा है। तो आज का सफ़र हम सुंदरनगर से शुरू करेंगे। इस टाइम हम सुंदरनगर में हैं, यहाँ से हम जाएंगे चैल चौक और चैल चौक से जाना है हमें शाला, और शाला से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की एक कच्ची सड़क पे जाना है। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करके आगे 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जिसको पार करने में लगभग 35 से 40 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे देव कामरू नाग झील। तो गाइस, इस झील तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि ये झील एक पहाड़ी पर बनी है और चारों तरफ से इस झील तक पहुँचने के लिए रास्ते हैं। तो अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो रास्ते का पता कर लें, और दूसरी बात कि जब भी यहाँ आना है तो अपना पीने का पानी साथ लाएं और खाने के लिए ज़रूर कुछ साथ लेके आएं, क्योंकि रास्ते में आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी, कोई पानी की टंकी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक जंगल भरा रास्ता है। और पूरे रास्ते का पता करके आएँ ताकि आप जंगल में खो ना जाएँ, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। तो इस तरह का ये शाला से रोड है, काफ़ी डेंजरस ये रोड था, जगह जगह पर गाड़ी हमें रोकनी पड़ी। तो और बारिश के टाइम में वैसे भी ये एरिया जो है सारा बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो रोड हैं ये बह जाते हैं और जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ आना सिर्फ मई जून में ही सेफ़ है, बरसात के टाइम में यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। तो कोशिश करें, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मई जून इन्हीं महीनों में आएँ। ये यहाँ रास्ते में एक बहुत ही सुंदर माता रानी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे लॉक लगा हुआ था तो हम अंदर नहीं जा पाए, बाहर से ही मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगी। और एक दूसरा रास्ता भी है, जिस रास्ते से हम पिछली बार गए थे, तो वो रास्ता है करसोग रोड पे आपको आना है सुंदरनगर से, वहाँ से आपको आना है रोहांडा, जो सुंदरनगर से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ से 8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। अगर आप पैदल चलने का आपको शौक़ है तो आप उस ट्रैक से आ सकते हैं, लगभग 2.5 से 3 घंटे का वो रास्ता है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू उस रास्ते में आपको देखने को मिलेगा, पूरा सुंदरनगर मंडी आपको दिखाई देता है। तो आप उस रास्ते से भी इस मंदिर तक आ सकते हैं, इस झील तक आ सकते हैं। तो इस तरह की नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को यहाँ मिलेगी। तो गाइस, जैसे सुबह हम चले थे तो हमारे लिए रास्ता नया था, तो हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, तो हमने एक पैदल ट्रैक पकड़ लिया था, और उस रास्ते के व्यूज़ भी मैं आपको थोड़े से बता दूंगी। उस रास्ते पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे हमने देखे, तो हमने उस रास्ते को भी इंजॉय किया। जैसे ये सेब का बगीचा आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत, और इस रास्ते में वैसे भी बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पहले, तभी मैंने कहा कि पहले से ही रास्ते का पता करके आएँ, और ग्रुप्स में यहाँ आएँ, अकेले ना आएँ, ताकि आपका टाइम जो ईज़िली पास हो जाए और आप ईज़िली ऊपर तक झील तक पहुंच जाएं। तो गाइस, हिमाचल में देव कामरू नाग जी की मान्यता इतनी है कि यहाँ बड़ा देव कहकर इनको पुकारा जाता है, और सदियों पुरानी मंडी शिवरात्रि का जो मेला लगाया जाता है उसमें हर साल देव कामरू नाग जी के मंडी नगर में प्रवेश के साथ ही इस उत्सव का शुभारंभ किया जाता है। हमने इस चैनल पर पहले भी एक मंडी शिवरात्रि का वीडियो बनाया है, जिसे हमने बड़े देव कामरू नाग जी के दर्शन भी उसमें आपको करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि मंडी शिवरात्रि में इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में हर वर्ष बुलाया जाता है, तथा बड़ा देव जो कामरू नाग जी हैं, मंडी शिवरात्रि के मेले में 7ों दिन माता तारना देवी जी के यहाँ विराजमान होते हैं, और इन्हें बारिश का देवता भी कहा जाता है, यानी कि बारिश का अनुमान भी इनके द्वारा ही वहाँ लगाया जाता है। तो गाइस, बड़ा देव कामरू नाग जो हैं, इनकी पूजा अर्चना जो है किसी पंडित के द्वारा नहीं की जाती है, इनके गुरु होते हैं, गुरु द्वारा ही इनकी पूजा अर्चना की जाती है, और इनके तारना देवी माता के यहाँ विराजने के पीछे भी एक कारण है। ऐसा गुरु द्वारा कहा जाता है कि ये एकांत स्थान में विराजमान होना अच्छा समझते हैं, क्योंकि एक कहानी उनके द्वारा बताई गई है कि एक बार राजा ने इन्हें महल में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान करवाया था। उस समय जो इनके वाद्य यंत्र थे वो स्वयं ही बजना शुरू हो गए थे,
तो जब वो स्वयं ही बजना शुरू हो गए उसके पश्चात ही इन्हें टारना माता के मंदिर में विराजमान किया गया। और तब से लेकर आज तक ये माता टारना देवी के मंदिर में ही शिवरात्रि फेयर में विराजमान होते हैं और वहीं से लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। गाइज, यहाँ बड़ा देव कामरुनाग जी के मंदिर के साथ एक झील भी है जो लगभग समुंदर तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर है। और ऐसा कहा जाता है कि इस झील के बीच अरबों का खजाना है जिसे देखा जा सकता है और ये महाभारत काल से संबंधित है, लेकिन इस खजाने को आज तक कोई निकाल नहीं पाया है। और जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की है उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटती आई है। और इस खजाने की रक्षा स्वयं देव कामरुनाग जी करते हैं। इस एरिए में देव कामरुनाग जी की पूजा जो है वो नाग रूप में भी की जाती है। तो जिन लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं वो इस झील में अपनी इच्छा अनुसार सोना चांदी और रुपए पैसे चढ़ाते हैं। इस मंदिर के साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस झील में पड़ा हुआ खजाना जो है वो पांडवों की संपत्ति है और उन्होंने कामरुनाग को समर्पित कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ किसी प्रकार की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसी मान्यता के आधार पर ही कहा जाता है कि यहाँ जो भी खजाना है और इस मंदिर के आसपास का एरिया की रक्षा जो है वो भगवान कामरुनाग जी स्वयं करते हैं। बड़ा देव कामरुनाग की कमेटी और गुरुओं के अनुसार यह मंदिर पांडवों से जुड़ा हुआ है और इस मंदिर को पांडवों द्वारा ही बनाया गया है। इस मंदिर के गुरुओं के अनुसार देव कामरुनाग भगवान विष्णु के अवतार हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों द्वारा ही यहां पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था। और यहां जो झील बनी है, पहले ये झील नहीं हुआ करती थी, लेकिन मंदिर निर्माण के साथ जब यहां लगा कि पानी यहां आसपास कहीं भी नहीं है तो भीम हैं उन्होंने अपनी हथेली नीचे मारकर ज़मीन पर मारी थी और यहाँ हथेली के आकार की यहाँ झील बन गई थी। और इस सरोवर में पानी के लिए अर्जुन द्वारा तीर चलाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि जो इस सरोवर में पानी है इसे पाताल से अर्जुन जो है पाताल से खींचकर ऊपर लेके आए हैं। तो गाइज, इस तरह से नेचुरल ब्यूटी आपको इस एरिए में हर जगह देखने को मिलेगी। इस तरह से बड़े बड़े देवदार के पेड़ आपको ऊपर झील तक ऐसे ही दिखाई देंगे जो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लगते हैं। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, सेबों के बगीचे देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ से आप देखें तो पूरा सुंदर नगर और डिस्ट्रिक्ट मंडी आपको नीचे दिखाई देगा जो इस तरह से है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ नीचे झील भी दिखाई दे रही है जिस जहाँ से हम आए थे। और हमारे साथ एक नन्ना सा एंटरटेनर भी है जिसने रास्ते में हमें काफ़ी एंटरटेन किया कुछ इस तरह से गाने सुना के। अरे ना चुपी छोड़ नाच रहा है, सब नाच रहे चुपी। जो जोर से तो इस तरह से एंजॉय करते हुए इस रास्ते पर जाया जा सकता है। और इससे क्या होता है, आपकी थकावट भी दूर हो जाती है और नेचर को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे
अभी जो आपको व्यू दिख रहा है वो बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब इतना खूबसूरत है कि इसके बारे में क्या ही कहें। और ये वही रास्ता है जो शाला से ऊपर मंदिर तक झील तक जाता है। अभी हम झील से जहाँ पैदल ट्रैक शुरू होता है वहाँ पर हैं, यहाँ से कम 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। और यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे जो नेचुरल पानी है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ से मंदिर तक का जो रास्ता है वो कम से कम 35 से 40 मिनट का है। तो अभी हम चलते हैं इस पैदल ट्रैक पे। तो गाइज, इस झील के बारे में एक और बात भी कही जाती है कि इस झील की जो गहराई है उसको आज तक कोई नहीं नाप सका है। जो यहाँ मंदिर के मेन गुर हैं उनके अनुसार जब यहाँ आंधी तूफान आती है और बड़े बड़े देवदार के पेड़ जो इस झील के चारों ओर हैं गिर जाते हैं, लगभग 90 से 100 फीट के ऊँचे ऊँचे देवदार के पेड़ होते हैं, तो जब झील की सफाई की जाती है तो उन देवदार के पेड़ों का पता भी नहीं है कि वो देवदार के पेड़ कहाँ गए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये झील जो है सीधी पाताल लोक में निकलती है जाके, इतनी गहरी यह झील है। जब इस झील की सफाई की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उन पेड़ों का पता ही नहीं होता है कि वो इस झील में गिरे भी हैं या नहीं। तो इस तरह से भी एक मान्यता इस झील के बारे में है। जो आपको मैंने पीछे गेट दिखाया जहाँ से मंदिर की सीमा शुरू होती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के चमड़े के सामान के ले जाने की पूर्ण मनाही है। और इस सीमा के अंदर शराब पीना, मांस का सेवन करना ये भी बिल्कुल मना किया गया। और यहाँ रास्ते में जगह जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई आप चीज़ यूज़ करते हैं उसको आप उस कचरे को डस्टबिन में ही डालें। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारे शराब की बोतलें गिरी हुई हैं, बहुत सारे रैपर गिरे हुए हैं, लोग गंदगी फैला रहे हैं। तो ऐसे स्थानों पर ऐसा ना करें, जो साफ़ सफाई है उसको बना के रखें ताकि बहुत सारे जो पर्यटक हैं यहाँ आ सके। आते भी हैं लोग और गंदगी डालकर यहाँ चले भी जाते हैं। तो एक ही है उनसे अनुरोध कि यहाँ गंदगी ना यहाँ क्या हिमाचल में कहीं भी गंदगी ना डालें, सफाई रखें और जो डस्टबिन यहाँ रखे गए हैं उनका यूज़ करें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जो कचरा यहाँ डाला जाता है वो यहीं रह जाता है, क्योंकि ऐसे स्थान जो इतनी ऊंचाई पर हैं उन्हें थोड़े ही टाइम के लिए खोला जाता है, उसके बाद बरसात में ये मंदिर वैसे ही बंद हो जाता है, उसके बाद यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है। तो ये मंदिर लगभग साल के 7-8 महीने तो वैसे ही बंद रहता है, क्योंकि इसे मार्च के लास्ट अप्रैल के स्टार्टिंग में ही ये मंदिर खुलता है, लोगों का यहाँ आना जाना होता है। तो 1 साल के लिए कचरा फिर यहीं पड़ा रहता है और यहीं सड़ता रहता है, और ऐसे जो है हमारे पहाड़ जो हैं वो गंदे हो रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी गंदगी अगर आप डस्टबिन में नहीं डाल सकते तो अपने बैग में डालकर उसे वापस अपने साथ ले आएँ, और कहीं रास्ते में आपको डस्टबिन दिखता है तो वहाँ डाल दें, पर यहाँ कचरा ना फैलाएँ। तो इस झील के बारे में और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर झील के पास। तो इस तरह की यहाँ पे ब्यूटी है, बड़े बड़े देवदार के पेड़ों से घिरी हुई ये झील है, बीच में मंदिर और झील है, और साइड में आपको देवदार के बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत ये झील है। तो ये वो झील है जो ऐसा कहा जाता है कि भीम ने यहाँ पर अपनी हथेली को मार कर बनाया था, क्योंकि भीम जो वैसे भी महाबली थे तो उनके लिए ये काम पॉसिबल है। तो ऐसा कहा जाता है कि हथेली के आकार की ये झील है, और ऐसा लगता भी है देखने से कि हथेली के आकार की ये झील है। कई व्यक्ति इस मंदिर को महाभारत काल के बर्बरीक से जोड़कर भी देखते हैं। बर्बरीक तो जो थे वो घटोत्कच के पुत्र थे और पांडवों के पौत्र थे, लेकिन यहाँ के जो गुर हैं उनके हिसाब से ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है, और यहाँ भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान है जो श्याम रूप में है। और ये जो मंदिर जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, ये मंदिर जो है वो झील के ऊपर ही बना है, यानी कि नीचे झील का हिस्सा है और ऊपर मंदिर बनाया गया है, और इसी मतलब भगवान विष्णु के चरणों से होकर ही झील का पानी जो है वो झील के अंदर आता है, यहीं से पानी जो झील में आता है। तो इस तरह से आगे ये मंदिर है और ये झील है। तो यहाँ के गुरुओं का ये कहना है कि कुछ लोग ये क्या करते हैं कि यहाँ आके इस झील में साइड से उतर के यहाँ हाथ पैर धोने लग जाते हैं, तो उन लोगों से ये अनुरोध है कि ऐसा यहाँ ना करें, क्योंकि इसी झील से देव कामरू नाग जी का स्नान करवाया जाता है, इस मंदिर की शुद्धि की जाती है। तो इस झील के पानी को गंदा ना करें, क्योंकि गुरुओं का ऐसा कहना भी है कि वर्षों पहले तक इस झील में से
एक जैसे पानी उछल कर भगवान विष्णु की मूर्ति और मंदिर की छत को शुद्ध करता था, मगर जैसे जैसे लोग यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, झील को गंदा कर रहे हैं, तो ऐसे चमत्कार यहाँ मंदिर में होने बंद हो गए हैं। तो इसीलिए अनुरोध है लोगों से कि ऐसे गंदगी ना फैलाएं यहाँ और झील को गंदा ना करें, पवित्रता को बनाए रखें। तो इस तरह से ये पूरी झील का नज़ारा है जैसा आपको दिख रहा है, बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सी झील है। हर एक दो साल में इस झील की सफाई की जाती है और ये सामने जो आपको श्याम रूप में दिख रहे हैं भगवान विष्णु की मूर्ति, यहाँ के गुरुओं द्वारा ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडवों द्वारा अपने ही पोते की पूजा करना ये उचित नहीं है। तो उनका मानना ये है कि ये भगवान विष्णु की ही मूर्ति है और पांडवों के ईष्ट भी थे वो, क्योंकि उन्होंने महाभारत युद्ध में काफ़ी सहायता की थी उनकी, तो अपने ईष्ट के रूप में वो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करते थे। तो इसीलिए उन्होंने ठाकुर रूप में उन्हें यहाँ विराजमान किया था मूर्ति रूप में और यहाँ इनकी पूजा अर्चना भी की थी। तो अभी ये सामने हमें साक्षात देव कामरूनाग जी के दर्शन हो रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि इनकी इच्छा के बिना यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमें यहाँ आने की इच्छा है भी तो हम तब तक इस मंदिर में नहीं आ सकते जब तक देव कामरूनाग जी का आशीर्वाद ना हो। बहुत अधिक यहाँ मान्यता है, लोगों द्वारा यहाँ प्रश्न भी पूछे जाते हैं चावल के दानों के साथ। और ये मंदिर के पीछे से लिया गया व्यू है, ये एक ओपन मंदिर है, खुला मंदिर है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये मंदिर है। बहुत ही पुराना मंदिर है, पांडवों के समय का है और ख़ास करके हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप यहाँ आए हैं तो कुछ लोग यहाँ रहते भी हैं, अपने टेंट साथ में लेके आते हैं, तो जंगल में रहते हैं बॉनफायर जला के। तो अगर इस तरह से कोई रहना चाहे तो रह सकता है, अदरवाइज़ यहाँ सराय वगैरह कुछ नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमें यहाँ से आकर मतलब एक दिन में ही ये यात्रा सफल पूरी करनी होती है। हम नीचे जाके चैल चौक में रह सकते हैं, शाला में रह सकते हैं, मंदिर के आसपास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक मान्यता ये भी थी इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पहले बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रथा को बदल दिया गया है। बकरे की जगह यहाँ नारियल तोड़कर यहाँ जो मेला लगता है तो उस मेले का उद्घाटन किया जाता है जो पहले बकरे की बलि के साथ किया जाता था और अब वो प्रथा यहाँ बंद कर दी गई है। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी के बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है देव कामरूनाग झील और मंदिर, जैसा कि आपको दिख रहा है, और बहुत ही काम और कूल प्लेस है ये। काफ़ी ज़्यादा ठंडा एरिया है इस टाइम, जब शाम का टाइम है तो यहाँ लगभग टेम्परेचर जो है 10 से 12 डिग्री आ जाता है, और अगर यहाँ बारिश हो जाए तो बारिश में तो और भी ज़्यादा ठंड यहाँ हो जाती है। यहाँ सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ बर्फ़ पड़ी होती है, तो सर्दियों में तो लगभग ये एरिया बंद ही रहता है। तो ये था हमारा आज का देव कामरूनाग जी का सफ़र, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ ताकि औरों को भी इस एरिया के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो ये है यहाँ का ब्यूटीफुल प्लेस और आगे जाते जाते एक बार दोबारा से आपको देव कामरूनाग जी के दर्शन करवाएंगे। तो ये हैं देव कामरूनाग जी का पूरा व्यू जो एक बहुत ही खूबसूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए अपनों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।